विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. तो यहाँ पर जैद क्रॉपिंग किया था, तो ये जैद क्रॉपिंग गलत निकला है. इसका राइट आंसर था सैश क्रॉपिंग. तो रबी, खरीफ, जैद, ये पूरे उर्दू नाम है, ये सब होता है, सैश नहीं होता. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सोवरेंटी जो मीनिंग क्या होता है इसका, तो इंडिपेंडेंस होता है, मतलब आजादी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव. द हड़प्पन है ट्रेड रिलेशन विद द नंबर ऑफ कंट्रीज सच एज पर्शियन एंड अफगानिस्तान. ये सही जवाब है, राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हाट इज द मेन एम ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म का मेन एम क्या होता है? स्प्रेड करता है फियर, मतलब डर, और इन्फ्यूज साइकोस्टिक माइंड ऑफ पीपल में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर्ड इन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट कंपनी इंडिया टू ब्रिटिश क्राउन? तो एक्ट ऑफ 1858 है इसका, 1858 का एक्ट जो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन में हुआ था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट. व्हाट इज द नेम ऑफ वेरी स्ट्रांग कोल्ड आइसी वाइंड दैट ब्लो इन द पोलर रीजन? पोलर रीजन में जो आता है ब्लिजर्ड, उसका नाम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन. यूज ऑफ एनिमल हेल्पिंग इन डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कॉल्ड, हमने ऑल ऑफ द अबव किया था, गलत है, लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं इसे, लाइव स्टॉक फार्मिंग, एनिमल का डिफरेंट एग्रीकल्चरल में यूज. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बीन फेसिंग फूड डिफिसिट? डिपॉजिट से आपको याद रखना है, डिफिसाइट, डिफिसाइट इन रिसेंट ईयर इन एशिया. तो रशिया जो है, तो ये कंट्री फेसिंग कर रहा है गुट, तो हमने ये रैंडमली किया तो ये सही निकला है, राइट है. नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट ग्रीक रूलर इन इंडिया वॉज मेंडर इन 2nd सेंचुरी BC, ये भी किया था तो ये भी सही निकला है. नेक्स्ट 2nd सेंचुरी करना है इसे. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट वेटो? तो बजट वेटो नहीं रहता, ये राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 13. द टर्मिनल्स और हब ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट बी इट लैंड और एयर ट्रेवल आर द फोर लार्जेस्ट मेट्रोपोलियन सिटीज सच एज? ये सारे है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, राइट आंसर निकला है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट? सारे पावर होते हैं, ऑल गवर्नमेंट डिसीजन लेना, प्रेसिडेंट के नेम से सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, और वाइड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, सारे है, ऑल है. और हम इसे, ये अजान होने तक रुकेंगे 2 मिनट. टू वेयर डू द म्यूनिसिपैलिटीज गेट देयर फंड? तो कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिलता, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है, स्टेट से याद रखना है, उनको स्टेट से मिलेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड वॉज? फर्स्ट लॉ गिवर हमुरबी नहीं था, सोलोमन था, सोलोमन याद रखना है, यस राइट आंसर है, सोलोमन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर रिवर वैली में है, डेल्टा में है, कोस्टल एरिया में, सारे जगहों पर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट रिमेन अनयूज आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, उन्हें कहा जाता है. नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द सोलिस्टिस्टिक्स, ये सही जवाब है कि सन जब मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस पकड़ता है इक्वेटर से तो सोलिस्टिस कहते हैं उसके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सेस्मिक वेव? मतलब अर्थक्वेक की वेव कौन सी नहीं, तो एक्स वेव राइट आंसर है. नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फेयर, लैंड, वाटर, एयर आना चाहिए इसमें, प्लांट, एनिमल, ये सारा है. नेक्स्ट है हाई क्लाउड्स आर ऑलमोस्ट अबाउ द 6000 मीटर अबाउ द, तो हमने बोथ ए एंड बी ये करना है, हमने सी लेवल कर दिया, इसे बोथ ए एंड बी किया था, गलत है, सी लेवल से होता है, ग्राउंड लेवल पर नहीं होता हो, सी लेवल पर होता है, समंदरी लेवल से. नेक्स्ट है द कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन रिवर हुगली, ये हमें इसमें कंफ्यूजन था और हमने रिवर हुगली किया था, राइट आंसर निकला है. नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ द क्लेवर फॉक्स ऑन अ जार वॉज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द एक्सकेवेटेड फ्रॉम द विच ऑफ द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो लोथल राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच महाजन पड़ा वॉज अ कॉन्फिडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिक क्लाइंस? तो वैजी इसका है, वाजी वैजी इसे कह सकते हैं आप, तो इसे याद रखना है. नेक्स्ट 27. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रिलीजियस हेड इज पॉलिटिकल हेड ऑल्सो? तो थियोक्रेसी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ पैलियोलिथिक एज? तो भीमबेटका का इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है मुगल पीरियड आर्किटेक्चर इज ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर्किटेक्चर स्टाइल? तो पर्शियन और इंडियन स्टाइल है, राइट आंसर.
नेक्स्ट है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवल. तो नेशनल स्टेट लोकल ये राइट आंसर है. लोकल टू हाईएस्ट करे तो लोकल स्टेट नेशनल ये राइट है. नेक्स्ट है 31 स्वदेशी इज द सेल्वेशन ऑफ इंडिया द स्टेटमेंट वॉज मेड बाय लाला लजपत रॉय. इसका सही जवाब है अपने वीसी बनर्जी किया था. गलत है. एस एन बनर्जी भी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं, लाला लजपत राय LLR. इसका याद रखिए आप LLR. स्वदेशी इज द सेल्वेशन ऑफ इंडिया स्टेटमेंट वॉज मेड बाय लाला लजपत राय. नेक्स्ट है 32 प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ SC ST. तो ये रिजर्वेशन SC ST को मिलता है, हमको इसमें कन्फ्यूजन था, ये सही निकला है. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली इफ दे हैव स्किल. इसमें भी कन्फ्यूजन था तो ये स्किल का सही निकला है. नेक्स्ट है डैश लिंक साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका. तो एन इस्थमस लिंक करता है. नेक्स्ट है 35 एंशियंट रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. सही है. नेक्स्ट है 36 द वर्ल्ड मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर, दो रिवर के बीच की राइट आंसर है. 18th सेंचुरी हैज बीन करेक्टली कॉल्ड द एज ऑफ, हमें इसमें कन्फ्यूजन था, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, रैशनलिज्म भी नहीं, एज ऑफ रीजन है, रीजन. 18th सेंचुरी हैड बीन करेक्टली कॉल्ड द एज ऑफ रीजन. नेक्स्ट है 38 द असिस्टेंट रिसीव फ्रॉम डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरेंगल एंड एमिनेंट एर्गोनॉमिस्ट फ्रॉम अमेरिका इज वर्थ मेंशनिंग इन ग्रीन रेवोल्यूशन. पर इन्होंने काम किया था एग्रीकल्चर पर बहुत सारा, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन करना है. नेक्स्ट है 39 द ट्रॉपिकल जोन रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ सन रेस वेरीज बिटवीन 43 करना है, 40, 19 या 30, 19 या 43 जिसमें आ रहा है 43 and 90 degree ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न. नेक्स्ट है 40 द आर्किटेक्चर ऑफ 12th सेंचुरी यूरोप वॉस. तो हमने रोमन की करा था, गलत है, गॉथिक है. आर्किटेक्चर ऑफ 12th सेंचुरी यूरोप वॉस गॉथिक. गॉथिक इज द आर्किटेक्चर ऑफ 12th सेंचुरी यूरोप. 12th सेंचुरी ऑफ यूरोप वॉस गॉथिक आर्किटेक्चर. ऐसे अलग अलग तरह से इसको याद कीजिए. नेक्स्ट है द सन्स एनर्जी इज कॉल्ड इंसुलेशन, राइट आंसर है. रेडिएशन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, तो इंसुलेशन एंड टर्न्स इनटू हीट और वो हीट में तब्दील हो जाती है अर्थ के सरफेस पे, तो इंसुलेशन राइट आंसर है. ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था. नेक्स्ट इन लोकसभा देर आर एनी अदर स्टेट असेंबलीज, उसके अंदर जो डिसॉल्यूशन होगा एक्सपायरी से पहले, मतलब एक्सपायर होने से पहले जो बीच में आ जाएंगे तो उसको बीच को क्या कहते हैं, मिड. तो उसको मिड टर्म इलेक्शन होगा, फुल टर्म में इलेक्शन, न्यू हाउसेज जो कंडक्ट होंगे मिड टर्म, ये राइट है. जनरल नहीं होंगे, जनरल मतलब रेगुलर बेसिस पर, और बीच में एक्सपायरी से पहले होंगे तो मिड टर्म, इसे याद रखना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 इन द केस देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट व्हाट विल हैपन. तो कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट जो होगा सेंटर स्टेट से, तो उसे कहेंगे सेंटर लॉ प्रिवेल्स. सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट होल्ड ट्रू अबाउट ग्रामा भोजक द विलेज हेडमैन इन द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, ये इसका राइट आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स हाई डेंसिटी, तो फर्टाइल फॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन्स इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UNO, वर्ल्ड हॉकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. और इसमें फर्टाइल फॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन, कोस्टल से याद रखना है, कोस्टल प्लेन से सपोर्टिंग हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी इज इक्वल टू कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन ऑफ फर्टाइल सॉइल इज इक्वल टू हाई डेंसिटी और एल्यूमिनल, या फिर ऐसा भी आ सकता है कुछ के कोस्टल प्लेन से, हाई डेंसिटी में याद रखना है, हाई डेंसिटी इज इक्वल टू कोस्टल प्लेन्स. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू जज अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. जज किस तरह करेंगे, क्लियर टेक्स्ट भी होना चाहिए, करेक्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, टॉपिक का सुटेबल मैप होना चाहिए, सारे है राइट आंसर. नेक्स्ट है डिस्कवरी प्रोजेक्ट ऑफ टीचिंग सोशल साइंस वाज प्रपोज बाय एची आर्मस्ट्रांग, राइट आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन सोशल साइंस क्लासरूम. तो सारे है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस की भी फॉलो करना, यूजिंग करना करेक्ट टेक्निक सोशल साइंस में जहां जरूरी हो, और APT मेथड को अप्लाई करना सोशल साइंस में टॉट जो किए जाएंगे टॉपिक. नेक्स्ट है हु प्रपोज द आइडिया ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ सोशल साइंस, तो एची आर्मस्ट्रांग राइट आंसर है. नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल वेदर फ्रॉम न्यूज़पेपर इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, राइट आंसर है. सेकेंडरी सोर्स ऑफ टीचिंग स्टडीज इन प्राइमरी क्लासेस है. नेक्स्ट है 52 व्हाइल टीचिंग सोशल साइंस इन विच स्टेज ऑफ पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वुड यू एज अ टीचर एक्सपेक्ट पोटेंशियल और फॉर मैच्योर मोरल रीजनिंग इन स्टूडेंट. तो सेंसरी मोटर राइट आंसर है, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट नहीं है, सेंसरी मोटर याद रखना है. नेक्स्ट है 53
इन अ डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट इज डिस्कस हिस्टोरिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट सो स्टूडेंट बिकम अवेयर दैट. तो हमने डेमोक्रेटी किया था, कन्फ्यूजिंग था, ये गलत है. रिपब्लिक फ्लरिस्ट इन इंडिया भी गलत है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट है, ये भी गलत है. तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हैड इट्स मेजर इन्फ्लुएंस. एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ने उसका मेजर बड़ा असरअंदाज अंदाज किया या फिर बहुत बड़ा असर डाला, ये आ सकता है. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इन सोशल साइंस क्लासरूम विल इन्वॉल्व. डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग सोशल साइंस में इन्वॉल्व होगा. रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट में लॉट ऑफ मटेरियल टू रीड नहीं है, करेक्टिंग द एरर नहीं है और प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस नहीं है. नेक्स्ट है 55. व्हाइल टीचिंग सोशल साइंस अ टीचर मस्ट अटेम्प्ट टू फोकस करना है अपॉन फैक्ट वैल्यूज और पैटर्न्स पर. फैक्ट वैल्यू पैटर्न तीनों आना चाहिए, सिर्फ फोकस रिमेंबर पे नहीं है ना फैक्ट पर वैल्यू छोड़कर या वैल्यू छोड़कर फैक्ट पे भी नहीं है. फैक्ट वैल्यू एंड पैटर्न तीनों आना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. गिविंग मैप वर्क टू स्टूडेंट होमवर्क बाय टीचर इज प्रैक्टिस ऑफ मैप. मैप की प्रैक्टिस है ये. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनसीएफ 2005 पुट इन सेंटर ऑफ सोशल साइंसेज टीचिंग. तो हमने इसको किया था एक्सपेरिमेंटल टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, ये गलत है. चाइल्ड इटसेल्फ विद इट्स सराउंडिंग इसका सही जवाब है. एनसीएफ 2005 ने पुट किया था सेंटर ऑफ सोशल साइंस, तो ये चाइल्ड इटसेल्फ विद सराउंडिंग है उसका जवाब. चाइल्ड इटसेल्फ इट सराउंडिंग द एनसीएफ 2005 हैज पुट द चाइल्ड इटसेल्फ इन द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट ऑल द सब्जेक्ट्स, ये उसका एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय सीबीएसई फॉर्मेटिव असेसमेंट टू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है हु इज ऑन द टॉप ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन व्हाइल टीचिंग सोशल साइंस. हमने किया था सिंथेसिस गलत है. इवेल्यूशन इसका राइट आंसर है. स्किल भी नहीं है, सिंथेसिस भी नहीं, एनालिसिस भी नहीं, इवेल्यूशन. इवेल्यूशन इज द ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ब्लूम से याद रखना है, ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बॉटम टू द टॉप इट्स सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर और सिंपल से कॉम्प्लेक्स, आसान से कॉम्प्लेक्स हार्ड. उसका अंडरस्टैंडिंग है फ्लो, उसको कहते हैं इवेल्यूशन. ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन ऑफ इवेल्यूशन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिमेडियल टीचिंग इन सोशल साइंस. तो ये है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे चीजें हैं इसके अंदर, क्लासिकल टीचिंग वगैरह ये सब. और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो सारे हैं नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड एटॉमिक एनर्जी ऑफ पीसफुल पर्पस. ये सारे हैं ऑल ऑफ द अबव. उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 सन डॉटर और उनकी मदर को सारों को एक इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ये उसका राइट आंसर है. और कौन सा टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन नहीं है इंडिया में, तो सैज क्रॉपिंग नहीं है. जैद, खरीफ और रबी तीनों जो मुस्लिम नेम मतलब ऐसा उर्दू के नेम जो है वो आएंगे, सैज क्रॉपिंग नहीं है. और सोवरेंटी मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस होता है. सोवरेंटी का मतलब हरप्पन ने जो ट्रेड रिलेशनशिप बनाया था कंट्रीज में, पर्शियन और अफगानिस्तान है. और मेन एम ऑफ टेररिज्म स्प्रेड करता है फियर, मतलब डर का माहौल इन्फ्यूज और साइकोसिक माइंड ऑफ पीपल में. इसे हम बीच में से छूट गया था इसलिए उसमें ले रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन. एक्ट ऑफ 1858 इसका राइट आंसर है. और व्हाट इज द नेम ऑफ वेरी स्ट्रांग कोल्ड आइसी वाइंड जो आती है रीजन में, ब्लिजार्ड उसे कहते हैं. उसी तरह से यूज ऑफ एनिमल जो होता है डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, उसको लाइव स्टॉक फार्मिंग कहते हैं. कैटल डेयरी फार्मिंग नहीं है, लाइव स्टॉक फार्मिंग इसका आंसर है. और विच कंट्री हैज ऑल्सो बीन फेसिंग फूड डिफिसाइट इन रिसेंट ईयर इन एशिया. तो रशिया ये फूड डिफिसाइट का सामना कर रही है बहुत मतलब रिसेंट ईयर्स में. और ग्रेटेस्ट ग्रीक रूलर इंडिया में मेनेडार जो था, सेकेंड सेंचुरी बीसी था ये. उसी तरह से कौन सा टाइप ऑफ प्रेसिडेंटो वेटो नहीं था, बजट वेटो नहीं था. और टर्मिनल ऑफ हब ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करने के लिए मेट्रोपोलिटन सिटी में सारे हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सारे हैं. और इसमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के सारे हैं, नेम, डिफेंस का और अपॉइंटमेंट का, ये सारे पावर उसके मिलते हैं. फ्रॉम वेयर देयर म्यूनिसिपैलिटीज गेट देयर फंड, तो कंसिडर फंड ऑफ स्टेट, स्टेट करना है, इंडिया नहीं है. उसी तरह से फर्स्ट लॉ गिवर वर्ल्ड का जो सोलोमन था, हरमबाई नहीं था, हिमरबी नहीं था. कौन सा रीजन प्रैक्टिस किया था सबसिक्वेंस एग्रीकल्चर का, तो डेल्टा, कोस्टल, रिवर वैली सारो है, ये पूरे हैं. और रिसोर्सेज जो फंड होते हैं रीजन में और अनयूज होते हैं उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है. अपॉइंटमेंट जो एटलोनी
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट करता है। उसी तरह से जो सन रीचेस मैक्सिमम एंगुलर इक्वेटर पे आता है उसको सॉलस्टिस कहते हैं। और कौन सा टाइप ऑफ सेस्मिक वेव नहीं है, तो एक्स वेव नहीं होता। उसी तरह से मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट बायोस्फेयर लैंड वाटर एयर प्लांट्स जिसमें आएगा वो रहेगा। और हाई क्लाउड्स 6,000 मीटर से सी लेवल पर रहेगा। और कोलकाता जो सिचुएटेड है रिवर हुंगली में है। उसी तरह स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स वॉज एग्जीक्यूटेड जो हुआ था वो लोथल था इसमें। और महाजनपदा एक कॉन्फिडेंट्री एट रिपब्लिक क्लांस वाजी था इसमें। उसी तरह आइडेंटिफाई करना है गवर्नमेंट जो रिलीजियस पॉलिटिकल हेड दोनों है, थ्योरेसी कहते हैं उसे, थ्योरेसी। और इसमें से आर्कियोलॉजिकल साइट पैथोलॉजिकल इस भीमबेट का था। वहीं पर मुगल पीरियड जो आर्किटेक्चर ब्लेंड हुआ था स्टाइल में, तो पर्शियन और इंडियन दो था, पर्शियन एंड इंडियन, इंडियन पर्शियन भी आ सकता है। लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट टू लोवेस्ट में नेशनल स्टेट और लोकल है। और स्वदेशी सेल्वेशन ऑफ इंडिया ये लाला लाजपत राय LLR इससे याद रखना है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो था प्रोविजन का तो SC ST में मिला था, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन था, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट था स्किल में। उसी तरह से जो है तो इस्थमस साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मिलाता है। और एंशियंट रॉक पेंटिंग जो फाउंड हुई थी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वहां पर मिलती है ये एंशियंट पेंटिंग जो पुरानी है। वर्ल्ड मेजोपोटामा ये लैंड दो रिवर के बीच में कहलाता है। उसी तरह से जो 18th सेंचुरी को करेक्टली एज ऑफ रीजन कहते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर नोमन को कहेंगे। वहीं पर ट्रॉपिकल जोन 43 और 90 याद रखना है आपको। और उसमें जो आर्किटेक्चर 12th सेंचुरी यूरोप में गोथिक था, गोथिक से याद रखना है। सन की एनर्जी को इंसोलेशन कहते हैं। और लोकसभा में मिड टर्म एक्सपायरी से पहले जो होगा मिड टर्म कहलाएगा। उसी तरह केस जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट में, तो उसको सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स कहते हैं। सेंट्रल लॉ, सेंटर से सेंटर याद रखना है। उसी तरह यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो होल्ड करता है, किंग ने कभी यूज नहीं किया उसको टैक्स कलेक्ट करने। डेंसिटी को, हाई डेंसिटी को फर्टाइल सॉइल ऑफ कोस्टल प्लेन इस्तेमाल होगा। और स्पेशलाइज एजेंसी यूने वर्ल्ड हॉकी नहीं है, बेस्ड ऑन जज स्कोरिंग है। टेक्स्ट बुक तो क्लियर है, ये सारा रिवीजन के साथ ये खत्म हो गया।